वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे पान फ्लेवर की एक बहुत ही यूनिक सी शरबत की रेसिपी। इसका फ्लेवर आपको बेहद ही पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने पतीले में 4 से 5 गिलास पानी डाला है। अब इसमें मिश्री के कुछ टुकड़े डालकर इसे ढककर रख देंगे ताकि ये पानी में आसानी से घुल जाए। और ये देखिए, ये पान का बेल है। पान के फ्लेवर के लिए इसमें से मैंने 4 से 5 पत्ते तोड़ लिए हैं। पान के पत्तों का गुण आपको पता ही होगा, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसी तरह की यूनिक और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए, पान के पत्तों को मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब इन पत्तों से हमें एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। तो ये ग्राइंडर जार लिया है। अब इसमें पान के इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे। और अब इन पत्तों के साथ मैंने मिलाया है 2 से 3 चम्मच सौंफ, और इसके साथ मैंने मिलाया है थोड़ा सा हरा रंग का फूड कलर। और इसे ग्राइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और अच्छी तरह इसका पेस्ट तैयार कर लें। इन पत्तों को ग्राइंड करते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करते जाएँ। और ये देखिए, मिश्री पानी में हल्का घुल गया है। अब इसके साथ तैयार किया हुआ पान का पेस्ट मिलाएँ। और ये देखिए, पान के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी और मिलाया और इसे भी इस बर्तन में डाल दिया है। और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मिश्री भी पानी में अच्छी तरह घुल गया है। ये शरबत बिल्कुल ही यूनिक फ्लेवर की और सेहतमंद शरबत है। इसे आप बच्चे बड़ों दोनों को बनाकर गर्मियों के दिनों में दें। आप चाहें तो इसे ऐसे ही पी सकते हैं, और अगर आप इसे चिल्ड पीना चाहें तो इसमें बर्फ का टुकड़ा मिलाएं और ठंडा ठंडा पिएं।